हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय टू चैनल द टीचर एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीरियड एडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से। जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2022-23 के लिए आवेदन पत्र निकाले गए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे ₹500 सभी कैंडिडेट्स को अप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहाँ पे ओनली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का कंडक्ट कराया जाएगा जो यहाँ पे नेट सेट JRF क्वालिफाई हैं। अगर आप यहाँ पे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा, देन यहाँ पे आप इंटरव्यू दे पाएंगे और आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको यहाँ पे फेलोशिप की बात की गई जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं जो भी नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलेंगे देखेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता की तरफ से आवेदन पत्र निकाले गए, जो आपको वेस्ट बंगाल में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2022-23 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके जो डिपार्टमेंट्स या फिर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कल्चरल स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज या जेंडर स्टडीज। इसके साथ यहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज में आवेदन कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है और सोशोलॉजी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है। इसके लिए यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 देखने को मिलेंगे, इन पे आप पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया, तो अभी उसे हम देखेंगे। बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिसके आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं SC ST OBC A OBC के बी के नॉन क्यूमुलेटर से आते हैं या फिर डिफरेंट अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तब भी आप एलिजिबल आप आवेदन कर पाएंगे। इसको यहाँ पे आपके पास 2 ईयर का मास्टर डिग्री होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए तो आप उनको चेक कर पाएंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करके आपको भेजना है। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और यहाँ पे आपको ईमेल पे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, आगे हम अभी आपको बता देंगे। बात करें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल की तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स से आपके जो रिसर्च प्रपोजल वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी जो रिसर्च प्रपोजल में आपकी जो प्रॉब्लम है वो होनी चाहिए, स्पेसिफिक मेंशन होनी चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए और यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ चूजन मेथोडोलॉजी, आप किस मेथड से अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है कंप्लीट करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो आपको स्पष्ट ये सब चीज़ें अपने जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC A OBC के बी से आते हैं और आप यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर पाएंगे। नॉन रिफंडेबल रखी गई, ये यहाँ पे आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है जिन फेवर में बनेगा यहाँ पे सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता पेवेल कलकत्ता, ये दोस्तों आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसी फेवर में आपका एप्लीकेशन जो फीस है सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट में अपना जो नाम लिखेंगे वो आप ब्लॉक लेटर में, इसके अलावा यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे यहाँ पे वर्किंग डेज में सबमिट करेंगे, ये यहाँ पे टाइमिंग दिया गया, इसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सैटरडे और संडे को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ये दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया गया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है वो यहाँ पे आपको सिंगल PDF के माध्यम से या फिर वर्ड की फाइल के माध्यम से आपको इसे ईमेल ID पर सेंड करना है। 10 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आवेदन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप यहाँ पे EMPhil 2 ईयर का इननेट या सेट या फिर JRF क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। इसके अलावा इसके सिलेबस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ पे नोट करके बताया गया कि अगर आप यहाँ PhD इन इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन करते हैं और एग्जामिनर कैटेगरी में आप इंक्लूड होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने EMPhil कर रखा हो इकोनॉमिक्स से या फिर आप यहाँ पे नेट सेट या JRF क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जामिनर कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बात करें आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का एक जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको SC टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से और एक क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक उससे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स लाने रहेंगे, आपको 20 मार्क्स में से 10 नंबर लाएंगे तभी आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये दोस्तों आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी गए, जिसमें आपके जनरल की 8 हैं, SC की 4 हैं, ST की 1 है, OBC A की 2 हैं, OBC की B की यहाँ पे 1 सीट है और PD कैंडिडेट्स की 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे जो PhD के दौरान अपनी फीस जो पे करनी है, यहाँ पे जब आपने इनरोलमेंट करेंगे PhD में
तो ये आपको यहाँ पे फीस पे करनी है, तो ये भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2022 है, उससे पहले आवेदन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, उनके यहाँ पे लिस्ट 17 जून 2022 को पब्लिश कर दी जाएगी। आप यहाँ पे रिटर्न टेस्ट अपना दे पाएंगे 23 जून 2022 को। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके यहाँ पे लिस्ट 7 जुलाई 2022 को पब्लिश कर दी जाएगी। देन यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे 3rd week of July 2022 में। इसके अलावा यहाँ पे अन्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी आपको दिखा देंगे, तो आप इसे चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको भर के और इसी में अपनी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे अटैच करके सेल्फ अटैच करके उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे ऑफलाइन और यहाँ पे ईमेल आईडी पर भेजना है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों सैंपल पेपर की बात करें तो भी यहाँ पे एक मेंशन किया गया, जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया इसके ऑफिशियल साइट से, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सैंपल पेपर है, आप इसे भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इससे टाइप अपना आंसर लिखना रहेगा। ऑफिसर साइट पे चलेंगे, जहाँ पे आपको हम बता देंगे कैसे इससे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों ये आपके ऑफिसर साइट के प्रोग्राम का पेज है, जहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे डॉक्टोरल प्रोग्राम एट द सेंटर में आपका जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, यहीं पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे अपना जो एडमिशन है इसके साथ यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई, नंबर दिए गए, उन पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। ये दोस्तों आपकी पीएडी की जानकारी थी, जो सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता की तरफ से आवेदन पत्र निकाले गए थे। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे एक अन्य पीएडी की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।